गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनबाद। मैं हूं अभिजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल वॉयजर। मैं निकला हूं एक अनप्लान राइड में। आप लोग एपिसोड 1 देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके एपिसोड 1 देख लीजिए, फिर आपको ये पूरा राइड का सीक्वेंस पता चलेगा। आज मैं धनबाद से स्टार्ट करने वाला हूं, एज ये एक अनप्लान राइड है तो मेरे को पता नहीं कहां तक जाने वाला हूं। मैंने आगे वाला ब्लॉग में कहा था कि वाराणसी की तरफ जाऊंगा, तो अभी मैं धनबाद से निकल रहा हूं, देखते हैं कहां तक पहुंच सकते हैं। जुड़े रहिए और देखते रहिए। आज का जर्नी मेरा शुरू हो रहा है धनबाद मुस्कान होटल से। जय बजरंगबली। चलते भाई, ठीक है ना? चलो टाटा टाटा। अभी यहाँ से ना, जब तक मैं हाईवे नहीं पकड़ता हूँ तब तक काफी जैम होने वाला है। तो धनबाद से निकल के ना अभी मैं पहुंच गया हूँ गोविंदपुर, मतलब इस जगह का नाम है गोविंदपुर। और ये गोविंदपुर मोड़ से अगर राइट टर्न लेते हैं तो कलकत्ता का तरफ चला जा रहा है, और ये लेफ्ट टर्न लेने से वाराणसी। धनबाद में मेरा जो होटल था वो थोड़ा अंदर में था, हीरापुर में। मैंने आगे वाला ब्लॉग में बताया था आपको कि वो हीरापुर मेरा मतलब बचपन गुजरा है उस जगह में। तो यहाँ से वाराणसी है 404 किलोमीटर और आगरा है 1040 किलोमीटर। तो 404 किलोमीटर अगर मैं नॉन स्टॉप चलूँ ना तो 8 से 8.5 घंटा लगने वाला है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है, ब्रेक तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ये वाला रोड से मैं जब भी गुजरता हूँ ना मज़ा आ जाता है बिल्कुल। मतलब रोड देखिए थोड़ा, कितना अच्छा रोड तो अच्छा है, और दोनों साइड में ये पहाड़ी से घिरा हुआ है, जंगल है, मतलब मेरे को ये रोड काफी अच्छा लगता है। ये रोड अभी बस बन चुका है, मतलब मैं लास्ट टाइम आया था ये रोड से फोर व्हीलर लेके, स्कॉर्पियो लेके, तब भी मैंने कॉल किया कि ये रोड बहुत अच्छा बन चुका है। सो अभी 500 मीटर में आएगा एक टोल गेट, और आज का ये पहला टोल है। तो 2 मिनट का एक ब्रेक ले लिया। अभी इस जगह का नाम है पाको, पाको ना पेको, अच्छा इस जगह का नाम है पेको। तो यहाँ थोड़ा गन्ना का जूस पिया और अभी थोड़ा रेड बुल पी रहा हूँ। 10 मिनट रुकूंगा, उसके बाद फिर निकल जाऊंगा। तो 150 किलोमीटर का बाद ना एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा पानी, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, फिर 100 किलोमीटर का राइड। और आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब धूप तो एकदम भयानक धूप है।
मैं सोचा था कि बाइक को थोड़ा शेड में रखूंगा ताकि थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन ये रोड में तो मेरे को कोई शेड वगैरह मिला नहीं, मजबूरन मेरे को बाइक को भी धूप में रखना पड़ा। और यहाँ से हजारीबाग है लगभग 45 किलोमीटर, मतलब हजारीबाग टाउन कोटा कोलकाता आती है लद्दाख। सुनो, গরমটা কেমন? গরম কেমন? কোথায় বাড়ি আপনার? আচ্ছা, নাম? বিশাল সিং। আমার নাম অভিজিৎ, অভিজিৎ রায়। সো ভেট হো গিয়া মেরা সাথ, ইয়ে ভি এক সোলো রাইডার হ্যায়, ইয়ে কলকাতা সে স্পিটি হোতে হুয়ে লাদাখ জানে ওয়ালা হ্যায়, আর ইনকা নাম হ্যায় বিশাল, আর ইনকা ভি এক ইউটিউব চ্যানেল হ্যায় রাইডার বয় বিশাল। तो मैं भी देखने वाला हूँ इनका चैनल, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि ये गर्मी में ना बाइक चला नहीं जा रहा, मतलब भयानक गर्मी है, भयानक मतलब भयानक। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे कोई ढाबा देख के रुक जाता हूँ, 4-4:30 बजे तक एकदम आराम से वहाँ पर रेस्ट लेता हूँ, सो जाऊँगा, और फिर 4 बजे के बाद 10-11 बजे तक एकदम राइड करूँ, रात भर राइड करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा बाइक में लाइट वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो नाइट राइड करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये गर्मी में तो राइड करना नामुमकिन है। अभी झारखंड में यह हाल है, आगे बिहार यूपी, ओफ बाप रे बाप, पागल हो जाएंगे। अभी मैं विशाल को भी वही बोला, वो भी वही बोल रहा है कि आगे कोई पेट्रोल पंप अच्छा वाला या फिर कोई अगर ढाबा मिल जाए ना तो रुक जाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, एक अच्छा सा ढाबा मिलना चाहिए जहाँ पर शेड हो, ताकि मेरा तांडव को भी थोड़ा राहत मिले। इतना गर्मी है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो पांडेवाड़ा में एक ढाबा में रुक गया। यहाँ पर 4-4:30 बजे तक रुकने वाला हूँ, थोड़ा धूप ढल जाने के बाद उसके बाद लाइट स्टार्ट करूँगा। और मेरा लाइट वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, तो नाइट राइड में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो रात भर आज राइड करने वाला हूँ। और रोड में मिल गया मेरे को एक और साथी, ये है विशाल सिंह, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है राइडर बॉय विशाल, इनका चैनल भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग खाना ऑर्डर कर दिए, पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद वहाँ पर चारपाई लगा हुआ, चारपाई में थोड़ा तड़का रोटी और अंडा। सो खाना खा के हम लोग ये चारपाई में थोड़ा सो गए थे, क्योंकि इतना भयानक गर्मी था ना। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4:30 बजे, और अभी गर्मी भी नहीं होने वाला है, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लड़का है विशाल, अच्छा है कि एक पार्टनर मिल गया मेरे को। और सोलो राइड में निकलने से रोड में पार्टनर मिल जाता है। तो ये है बिहार का चेक पोस्ट, तो झारखंड से हम लोग बिहार में भी पहुंच गए, और कुछ ही देर के अंदर बिहार को छोड़ के उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं देहरी ऑनसन, ये है सासाराम, सासाराम अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आगे औरंगाबाद जाके थोड़ा 10 मिनट का एक ब्रेक लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय और पानी पी लिया, फुल टैंक पेट्रोल,
हाँ, बनारस कितना किलोमीटर होगा भैया? बनारस में अभी हिंदे हैं। ये बनारस है? यहाँ से बनारस चल रहे हैं। अच्छा, तो ये रोड में हाईवे में होटल मिल जाएगा रहने का? कितना आगे जाने से मिलेगा? आगे जाएंगे टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा के पास है एक होटल ठहरने के लिए। बस 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 बस, हम लोग बनारस आ गए हैं। यहाँ से बनारस चालू होता है, आगे बोला टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा का बाद में एक बढ़िया होटल। रूम मिलेगा भैया? क्या टैरिफ है आपका? एसी वगैरह है? एसी है ना। तो पहुंच गए हम लोग बनारस और हम लोग दोनों मिलके एक रूम ले लिए। और ये होटल का नाम क्या है, पता नाम क्या है? संस्कार है ऐसा कुछ नाम है। खैर जो भी नाम है, कल सुबह आप लोग अपडेट करेंगे ये। तो अभी काफ़ी थके हुए हैं, डिनर ऑर्डर करेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। और कल यहाँ से निकलेंगे, ये तो जाएगा दिल्ली, ये दिल्ली जाएगा। और शायद मैं अभी आते आते सोच रहा था कि शायद मैं वृंदावन जाऊँ या फिर मथुरा, देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। तो कल काफ़ी थके हुए थे, सो गया, उसके बाद आज सुबह नींद भी नहीं टूटा। अभी टाइम हो गया 10:30, हम लोग नहा लिए फटाफट, नहा के अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, निकल जाएंगे। बाहर तो काफ़ी गर्मी होगा, तो जो भी है निकलना तो है। तो चलिए पहले पैकिंग कर लेते हैं, निकलते हैं, बाद में गोप्रो में आप लोग से बात करते हैं। सो आज का जर्नी हम लोग को स्टार्ट हो रहा है वाराणसी से। और कल रात को जो होटल पे था ना, इसका नाम था सत्कार, हाईवे का ऊपर में ही है। रूम का रेंट लिया था 1500 रुपया, 1500, ठीक ठाक रूम था। चलिए निकलते हैं, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। गर्मी तो काफ़ी है और आज का जर्नी हम लोग को होने वाला है, पहले तो जाने वाले हैं कानपुर का तरफ। अभी कानपुर का तरफ से हम लोग पकड़ लेंगे आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से। रोड लेकिन भाई साहब मस्त है उत्तर प्रदेश का, ये मानना पड़ेगा। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए, विशाल तो शायद बिस्किट वगैरह खाया है, लेकिन मैं सिर्फ 2 बार कॉफ़ी बना के पिया हूँ। तो आगे देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो रुक जाएंगे, रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और इस हाईवे का ऊपर ना ढाबा वगैरह मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। क्या होगा भैया खाने में? हाँ, डिजायर टेस्ट। तो भाई साहब गर्मी तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। और थोड़ा सा हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया, साथ में वहाँ पर गन्ना का जूस भी मिल रहा था, गन्ना का जूस भी पी लिया 1 गिलास। तो भाई साहब अगर आप लोग कलकत्ता से लद्दाख का प्लान बना रहे हो ना, तो ये रोड का गर्मी झेलने के लिए एकदम आप लोग भी रेडी रह जाइए। क्योंकि आप लोग अगर मनाली होते हुए जाए तो अप टू मनाली, और अगर श्रीनगर होते हुए जाए तो अप टू श्रीनगर, ये गर्मी तो झेलना पड़ेगा। तो यहाँ से दिल्ली है 745 किलोमीटर। और ये रोड से जब भी मैं जाता हूँ ना, यहाँ का एक खूबी है कह सकते हैं कि यहाँ का जितना घर है, देखिए कोई भी घर का बाहर में प्लास्टर नहीं किया हुआ है, पता नहीं क्यों। अब इसके बाद से अप टू दिल्ली तक रोड में जितना घर मिलेगा ना, ऐसे ही मिलेगा बिना प्लास्टर किया हुआ। मतलब 2-3 घर मिलेगा कि प्लास्टर है, अदरवाइज सब घर ऐसे बिना प्लास्टर का होता है। तो ये जो रोड जा रहा ना, ये प्रयागराज जा रहा है, मतलब इलाहाबाद। और हम लोग जो रोड से जा रहे हैं, ये जा रहा है कानपुर।
तो दोनों से दिल्ली जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उधर से जाने से आपको प्रयागराज के अंदर से जाना पड़ता है, और ये कानपुर वाला रोड, ये पूरा हाईवे वाला रोड है, लगभग किलोमीटर भी कम पड़ता है। अब कितना किलोमीटर कम पड़ता है ये मैं बाद में देख के बताऊंगा आप लोगों को। 100 किलोमीटर आके रुके हैं फतेहपुर, यहाँ पर एक ढाबा पे रुके हैं, थोड़ा रोटी और सेव भाजी अभी लंच कर लेंगे। यहाँ से और 100 किलोमीटर है कानपुर और 250 किलोमीटर है आगरा, तो खाना खा लेते उसके बाद निकलते हैं। तो ये जो है ना सेव भाजी, ये इधर यूपी और राजस्थान में भी काफ़ी ये पॉपुलर है। खाना पीना हो गया, यहाँ से कानपुर है 100 किलोमीटर, अगर रोड ऐसा रहा तो 1.5 घंटा में हम लोग कानपुर पहुँच जाएंगे। अभी ये जगह जो क्रॉस कर रहे हैं ना, इसका नाम है महुआ। अब शायद 30-40 किलोमीटर में हम लोग कानपुर पहुँच जाएंगे, फिर कानपुर से देख लेंगे इटावा कितना डिस्टेंस है, क्योंकि इटावा से हम लोग को मिलने वाला है आगरा एक्सप्रेस वे। तो पहुंच गया कानपुर, और यहां से लगभग अभी और 280 किलोमीटर बाकी है आगरा। हाँ, फिर से विशाल काफ़ी पीछे हो गया है, क्योंकि मैं लुकिंग ग्लास में काफ़ी देर से नहीं देख सक रहा हूँ उसको पीछे, और इंटरकॉम का कनेक्शन भी हम लोग को बहुत दिन हुआ इंटरकॉम का कनेक्शन टूट गया है। खैर, ये रोड ख़त्म होगा ना तो कहीं पर रुकूंगा उसके लिए। तो कानपुर में रुक गया थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पीने के लिए, और मुलाकात हो गया अविनाश जी से। ये अविनाश गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं, आपके फ्रेंड हैं सर। आप कुछ बोलिए। सर से मिल के बहुत अच्छा लगा, और हम वहीं निकल रहे थे तो हमें लगा कि आप, हमारे पास शब्द नहीं है सर के लिए किस तरीके ये सर्वाइव करते हैं इस मौसम में इसमें, और हमें भी बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और सर हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। और सब बोलता ना कि दुनिया बहुत बुरा है, दुनिया बहुत बुरा है, लेकिन मैं पहले भी आप लोगों को बोला हूँ कि मुझे हमेशा अच्छा इंसान मिलता है। आज तक कभी भी सफ़र में मेरे को बुरा इंसान नहीं मिला, हमेशा अच्छा इंसान मिला, और अच्छे अच्छे दोस्त मिला मुझे। चले फिर मिलेंगे, चलिए बाय। सच में काफ़ी अच्छा लगा इन लोग से मिलके, और ऊपर वाला मेरे को हमेशा ना अच्छा इंसानों से मिलाता है। पहुंच गया हूँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और इतना बार मैं आज तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे क्रॉस किया हूँ, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम रात का 12 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में क्रॉस कर रहा हूँ। ये भी एक एक्सपीरियंस है और अनोखा एक्सपीरियंस है। और एक बात है कि विशाल खो गया था, विशाल भी मिल गया है। तो आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया, और आगे 18 किलोमीटर जाके मैं लेफ्ट टर्न ले लूँगा, विशाल चला जा रहा सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के दिल्ली। तो फाइनली विशाल को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। कभी अलविदा ना कहना, लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी हम लोग का रास्ता थोड़ा अलग अलग हो जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि फिर से हम लोग लद्दाख में जाके मिले। तो ये है वो रास्ता जा रहा है दिल्ली, और ये जा रहा है आगरा। तो मुझे जाना है ये रोड से, और विशाल को जाना है वो रोड से। चलो मिलते हैं फिर
ठीक है ना, राइट राइट सेफ। और दिल्ली पहुंच के मेरे को व्हाट्सअप करना जरूर से, ठीक है ना। मैं अभी जगा हूँ रात को थोड़ा से, ठीक है ना। तुम जितना दो घंटा लगेगा, दो घंटा में जगा रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा वीडियो वगैरह ट्रांसफ़र करूँगा लैपटॉप में, टाइम लगेगा, ठीक है ना। हाँ, फ़ोन करना, आराम से जाना, 80 का स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में मत जाना, आराम से दो घंटा में पहुँच जाओगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, चलो बाय। फाइनली पहुंच गया हूं आगरा, और लगभग आज 640 किलोमीटर का राइड था वाराणसी से आगरा तक का। और भाई साहब, ये दो दिन में ना गर्मी में हालत ख़राब हो गया। मेरे को तो लगता है कि मेरा स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो कल का दिन तो मैं आगरा में रहने वाला हूँ और एकदम पूरा पूरी रेस्ट लेने वाला हूँ होटल में, क्योंकि अभी अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना तो पूरा राइड चौपट हो जाएगा। तो मैं कल का दिन पूरा रेस्ट लूँगा और परसों यहाँ से निकलूँगा। कहाँ निकलूँगा ये अपडेट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दूंगा। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Prepare to die.